बच्चों, तो आज हम लोग जो है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 का है ना सिलेबस समझने के लिए आज यहाँ पर हम आए हैं, है ना। तो बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का जैसा कि एग्जाम हो चुका है, बहुत जगह पर चल रहा है और बहुत जगह पर अभी होने वाला है, तो एग्जाम हो चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया था होगा, क्योंकि बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग सारा वीडियो जो है वो हमने यूट्यूब पर डाल रखा था, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे भी सारा क्लासेस चल चुका था। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कि जैसे पिछले साल आप लोग को एक शिकायत थी हमसे कि सर इंस्टीट्यूशन का ऑनलाइन क्लास का फी बहुत ज्यादा है, इस बार हमने उसको थोड़ा मिनिमाइज करने का प्रयास किया है। तो इस बार मात्र 500 रुपये में आपको 499 में आपको सेकेंड सेमेस्टर का भी एडमिशन हो रहा है। 26 जनवरी को लेकर के, 26 जनवरी को लेकर के ये एक ऑफर निकाला गया है, तो आप लोग तब तक इसको बाई करना चाहें तो बहुत आसानी से बाई कर सकते हैं, है ना। तो खैर, अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के बाद अब जरूरत है आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर की, जिसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 8 जनवरी से, है ना। 8 जनवरी 2024 से सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनईपी के अकॉर्डिंग जो इस बार लागू हुआ है। तो देखते हैं कि बीएससी फिजिक्स में आप लोगों को इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको बीएससी फिजिक्स में पढ़ना है वो है बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिक्स में क्या क्या है, तो आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बेसिक आइडिया जो आपने कुछ 11th 12th में पढ़ रखा होगा, है ना, वो सब कुछ इस चैप्टर में आ जाएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ भी है, आइडिया ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग डिराइव करते हैं 11th क्लास में, लेकिन इसका सॉल्यूशन 11th क्लास में डिराइव नहीं करते हैं, वो भी इस बार आपको करना है। एनर्जी इन एसएचएम, यहाँ तक तो आप पढ़ते ही हैं एनर्जी इन एसएचएम जो है 11th क्लास में। यहाँ के बाद फिर नया आ जाएगा टू बॉडी ऑसिलेशन, है ना, उसके बाद है ना टू बॉडी ऑसिलेशन के बाद ये कपल नहीं है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड POUND, है ना, दिस इज कंपाउंड पेंडुलम, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, है ना, फिर कंपाउंड पेंडुलम लिखा हुआ है, फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट, है ना, ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही स्टेट है, ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट। इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में एक डिवाइस पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटर्स, बेसिकली उसका इस्तेमाल जो है ना डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऑसिलेटर्स में मूलतः LCR सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूलतः जो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होगा उसमें हम लोग LCR सर्किट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद इसी का फिर जो है रेजोनेंस, रेजोनेंस एक कंडीशन है जो फोर्स ऑसिलेशन में हमको प्राप्त होता है, वह देखेंगे, है ना। फिर उसी का जो रेजोनेंस है वो कितना शार्प है, शार्पनेस वगैरह फिर बीसी में पढ़ना है, और फिर उसी का क्वालिटी फैक्टर भी देखना है। उसके बाद आ जाइए सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन जो Unit 2 है। तो ये जो जितना भी बेसिक्स ऑफ ऑसिलेशन था ये Unit 1 में था, Unit 2 में आपको पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन। और ये सुपरपोजिशन ऑफ ऑसिलेशन में आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ 2 SHM, 2 SHM के एडिशन में क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेस जेएस फिगर एक फिगर है ना, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इट्स ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन, इसका ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन देखना है, एंड एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन भी देखना है। फिर हम लोगों को स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ना है, है ना, एज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, स्टेशनरी वेव्स को देखना है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेशन, वेव्स इन अ लीनियर बाउंडेड मीडियम, है ना, इसके बारे में भी आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा। विशेष तौर पर जो इसके बारे में मुख्य बातें हैं, मेन बात है, वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अगला है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर, तो वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड सोनोमीटर। तो ये Unit 1 और Unit 2 जो है यह मूलतः ऑसिलेशन को डिस्कस करता है ना, ये किसको डिस्कस करता है,
ऑसिलेशन को डिस्कस करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन को। अगला है यूनिट थ्री में वेव मोशन। तो वेव मोशन देखो, यूनिट थ्री और यूनिट फोर ये दोनों वेव्स के बारे में डिस्कस करेगा। ये दोनों किसके बारे में डिस्कस करेगा? वेव के बारे में। अभी वेव भी कितने प्रकार का, तो हम लोग पहले भी पढ़ते थे कि जो वेव होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, है ना, मैकेनिकल वेव, और दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। दूसरे को हम लोग कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो बेसिकली ये जो मैकेनिकल वेव होता है, इसके प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो साउंड वेव है, है ना। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसके प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, है ना, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साउंड वेव हो सकता है। नॉन मैकेनिकल वेव वो सारे वेव को हम कहते हैं जिसके प्रोपागेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्सरेज एक नॉन मैकेनिकल वेव है, गामा रेज नॉन मैकेनिकल वेव है, विजिबल लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। तो वेव का केवल ये वाला पोर्शन मैकेनिकल वेव हमको इस बार पढ़ना है। मैकेनिकल वेव का वेव फ्रंट, इक्वेशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक वेव्स, इंटरफेरेंस, बिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ टोन्स, प्रेशर, एनर्जी एंड इंटेंसिटी इन वेव। साथ ही साथ फिर हम पढ़ेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। उसके बाद अगला है साउंड वेव। देखिए स्पेसिफिक तौर पर आ गया, है ना, जिसको हम लोग साउंड वेव, इसका प्रोपागेशन, स्पीड ऑफ साउंड वेव, एकॉस्टिक्स, है ना, वेव्स इन मीडिया, स्पीड इन एयर, न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे, और फिर लैपलास का करेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड एंड देयर एनालिसिस, म्यूजिकल स्केल एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोडक्शन, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, है ना, एक टर्म और छूट गया था, स्केल एंड कॉन्सोनेंस, है ना। तो ये सारे टॉपिक जो है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर टू में हम कवर करेंगे, है ना। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स हैं, है ना, जो इन टॉपिक्स को कवर करेगा, है ना। उसी में से कुछ जो अच्छी किताबें हैं वो हम लिख देते हैं। उन अच्छी किताबों में एक किताब जो है सबसे जो मुझे बहुत पसंद आता है वो है सत्यप्रकाश का, है ना, सत्यप्रकाश का। बुक का नाम जो है वो आपको इस प्रकार से है, बुक का नाम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे सर्च करिएगा, OSCI ऑसिलेशन एंड वेव्स बाई सत्य प्रकाश, बाई सत्य प्रकाश, है ना। अच्छा से लिख देते प्रकाश थोड़ा सा, सत्य प्रकाश एक वेव तो ये। दूसरा एक किताब है ऑसिलेशन एंड वेव बाई बीएस ग्रेवाल, है ना। तो बीएस ग्रेवाल की किताब भी अच्छी है ऑसिलेशन एंड वेव की, है ना। और एक है इनके जैन करके है, उनकी किताब भी बहुत अच्छी है ऑसिलेशन एंड वेव की। टाटा मैग्रिव हिल पब्लिकेशन जो है, टीएमएच पब्लिकेशन जो है, उसकी किताब भी बहुत अच्छी होती है, आप उसको भी ले सकते हैं। बाद बाकी किताब अच्छा या बुरा इस बात पे भी होता है कि आपको उस किताब का लैंग्वेज कितना अच्छा लगता है, है ना। तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं, बुक स्टोर पर जाएंगे, है ना, किताब सर्च करेंगे, ये चाहे तो सत्यप्रकाश ले लीजिए, बीएस ग्रेवाल ले लीजिए, इनके जैन ले लीजिए, है ना, इनमें से कोई भी किताब ले लीजिए, मिला लीजिए कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हैं उसमें या नहीं है। आप इसको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए।